मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली है। उम्मीद है कि इस बजट में टैक्स छूट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के लिए कुछ ऐलान किया जा सकता है। पहले ये बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया है। मोदी सरकार ने सालों पुरानी इस परंपरा को तोड़ा था। साल 2017 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया था कि केंद्रीय बजट अब फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश नहीं किया जाएगा। बजट एक ऐसा सरकारी दस्तावेज होता है जिसके तहत सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय और राजस्व पेश करती है। इसके बाद इसे संसद की ओर से मंजूरी मिलती है। इस परंपरा की शुरुआत 1860 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने की थी। 1999 तक केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह समय ब्रिटेन के समय से तय हुआ था। बजट ब्रिटेन में सुबह 11 बजे पेश किया जाता था, जो भारत में शाम 5 बजे था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर सुबह 11 बजे कर दिया। तर्क ये था कि बजट पर गहन चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलता है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक युग के दौरान अपनाई जाने वाली 92 साल पुरानी प्रथा को समाप्त करने के लिए बजट महीने के आखिरी दिन के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, ऐसे में सरकार के पास 1 अप्रैल से प्रभावी नई नीतियों की तैयारी के लिए बहुत कम समय रहता था, जिस कारण इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। इस बदलाव के साथ ही तत्कालीन वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए अलग बजट पेश करने की परंपरा को भी खत्म कर दिया था। रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। बता दें कि इस बार निर्मला सीतारमण अपना लगातार 6वां बजट पेश करेंगी।